beautiful people, welcome back to the channel. My name is Amrita Das. I'm from India, based in Dubai. Jai Jagannath, कैसे हैं आप लोग? और आज के इस वीडियो में चलिए देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स हम यूजुअली करते हैं वाइल यूजिंग अ प्लांट ऑयल. बहुत ही आसानी से चलिए समझाती हूँ. जैसे कि आपको लगता है कि हर एक ऑयल हम फेस पे लगा सकते हैं, वैसा नहीं है गाइज. ट्राई टू अवॉइड these oils which I tell you in this video. Guys, keep watching this video till the end and get amazing information on using a plant oil on your face. तो गाइज, सबसे पहला मिस्टेक हम क्या करते हैं, अपना स्किन टाइप को नहीं समझ के कुछ भी चीज़ यूज कर लेना. कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी ऑयल, कुछ भी यूज कर लेते हैं विदाउट नोइंग आर ओन स्किन टाइप. तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले हर एक स्किन केयर वीडियोस में मैं यही सबसे पहले आपको बताती हूँ कि पहले आपके अपने स्किन को आपको जानना है. इज इट अ ड्राई स्किन, इज इट अ वेरी ड्राई स्किन, इज इट अ ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन. आपके स्किन टाइप को पहले जानिए, उसके बाद ही आप कोई भी ऑयल चूज कर सकते हैं. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू नो योर स्किन टाइप एंड देन कम्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑयल अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. तो दूसरा रहा, अगर आपको पता चल गया है ऑलरेडी कि मेरा स्किन ड्राई है या वेरी ड्राई है या ऑयली है, तो उसके बाद आपको सही ऑयल चूज़ करने रहते हैं. जैसे कि सपोज आपके स्किन ड्राई या वेरी ड्राई है, तो क्या करना है आपको, यू हैव टू चूज द ऑयल विच आर हैवी ऑयल्स. जैसे कि कोकोनट ऑयल हुआ, एवोकाडो ऑयल हुआ या फिर देसी घी अपना, ये सारे हैवी ऑयल्स हैं. तो दोज आर ओनली सुटेबल फॉर ड्राई एंड वेरी ड्राई स्किन टाइप. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वॉट आर लाइट ऑयल्स, लेट्स सी. अगर आपका स्किन ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव स्किन टाइप है, तो ट्राई चूजिंग अ लाइट ऑयल गाइज. तो लाइट ऑयल कौन सा है, तो लाइट ऑयल्स में कौन सा आता है, वाटरमेलन सीड ऑयल, रेसबेरी सीड ऑयल, लैवेंडर ऑयल, ये सारे एसेंशियल ऑयल्स आप यूज कर सकते हैं इफ यू आर समवन विद ऑयली एंड कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव. बिटवीन ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन यू शुड नॉट यूज हैवी ऑयल्स सच एज कोकोनट ऑयल्स, एवोकाडो ऑयल्स. ये सब बहुत ही हैवी रहता है स्किन के ऊपर, तो ये सब आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. बट इफ यू आर समवन हु इज हैविंग अ ड्राई स्किन और वेरी ड्राई स्किन, तो उनके लिए हैवी ऑयल जैसे एवोकाडो ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ या फिर घी हुआ, देसी घी, ये सब आपके लिए सूटेबल है और आप यूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, लेट्स जंप इनटू द मिस्टेक्स व्हाट वी यूजुअली डू व्हाइल यूजिंग अ प्लांट ऑयल ऑन आवर फेस. अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है अपने स्किन के बारे में क्या यूज़ करें क्या नहीं, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा था एक इन्फॉर्मेशन. अगर आपको मैं बताऊँ कुछ कुछ ऐसा मिस्टेक्स जो कि हमको पता भी नहीं रहता और हम करते जाते हैं अपने डेली लाइफ में, तो चलिए जानते हैं क्या क्या मिस्टेक्स हम यूजुअली करते हैं हमारे स्किन केयर रूटीन में. तो पहला मिस्टेक, मिस्टेक नंबर वन क्या है, वो है पूरे ही ड्राई स्किन में हम यूज़ कर लेते हैं कुछ भी ऑयल. जैसे कि हमारा स्किन पूरा ही ड्राई है, हम कुछ भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाए हैं, पूरा ही बेयर स्किन है और उसके ऊपर हम कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं या फिर हम लगा लेते हैं कोई भी कुछ भी ऑयल जो भी घर में मिला, तो जो भी मिला वो एक्चुअली नहीं लगाना, वैसा मत करो, कभी भी मत करो, कुछ भी ऑयल नहीं लगा लाना. फर्स्ट यू हैव टू थिंक विच ऑयल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर योर स्किन, ओके, फिर उसके बाद ही चूज़ करके हमको लगाना. तो फर्स्ट मिस्टेक हम करते हैं कि पूरे ड्राई स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो नो, कभी नहीं, पूरे ड्राई स्किन के ऊपर डायरेक्ट ऑयल कभी मत लगाइए. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट मॉइस्ट योर स्किन अ बिट, तो पानी से धो लेना है, उसके बाद टॉवल से वाइप ऑफ अच्छा से करके उसके बाद ही कोकोनट ऑयल हुआ, एवोकाडो ऑयल हुआ, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर लीजिए. तो सेकेंड मिस्टेक, अभी दूसरा मिस्टेक क्या है, बहुत सारा, टू मच ऑयल, यूजिंग टू मच ऑयल. अभी भी ऐसा मत कीजिए, अगर आपको लगता है कि एक ऑयल आपके स्किन के लिए अप्रोप्रिएट है, डजंट मीन कि बहुत सारा लगा लें. यूजिंग ओनली 2 to 3 drops, ओके, याद रहा 2 to 3 drops ओनली, थोड़ा ही लेके उसको अच्छा से फेस पे मसाज कर लेना है. And now let's move on to the third mistake. As I said in the first mistake that you need to moist your face first before using an oil. तो इसमें ऐसा है कि पहले तो आपको फेस वॉश कर लेना है, धो लेना है. यू नीड टू कीप योर फेस मॉइस्ट फर्स्ट, देन अप्लाई ए मॉइस्चराइजर, गुड मॉइस्चराइजर जो कि आपके स्किन के लिए सुटेबल है. और अगर भी मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते, एनी वेजिटेबल ग्लिसरीन दैट कैन बी यूज्ड एज अ मॉइस्चराइजर टू प्रोटेक्ट योर स्किन. गाइज, इन माई केस आई यूज दिस जॉनसन बेबी जेली विच इज लाइटली फ्रेग्रेंस्ड एंड मुझे ये बहुत अच्छा. एक्चुअली ये रिच का क्रीम है, तो आई फेल्ट कि मेरे स्किन के लिए भी ये ठीक है, तो मैं यूज़ करती हूँ, हम दोनों ही यूज़ करते हैं. तो आपको ये अगर शॉप में नहीं मिलता, ये मैं दुबई से ही ली हूँ, तो मे बी
इन इंडिया यू वोंट फाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो अगर ये नहीं मिलता है तो कोई भी वेजिटेबल ग्लिसरीन आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग ऑयल. ठीक है, समझ में आया? इजी तरीके से बताती हूँ. पहले धो लिया फेस को, उसके बाद कोई भी ग्लिसरीन, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया, उसके बाद ही ऑयल. ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स, याद है ना, जो कि सेकेंड मिस्टेक में बोली थी. तो ओनली 2 to 3 ऑयल हमको हाथ में लेके अच्छे से मसाज कर लेना है. तो फोर्थ मिस्टेक क्या है? फोर्थ मिस्टेक है, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं जो कि मतलब अच्छा हो ना हो ठीक से नहीं जानते हैं. और ऊपर से कुछ कोई कोई ऑयल ऐसा रहता है जिसमें से स्मेल आता रहता है, कुछ एक्सपायरी डेट उनके भी पार हुए रहते हैं, तो वो सब पूरे ही अवॉइड करना है फेस पे. तो कभी भी फेस को लेके रिस्क नहीं लेना है आपको कि हाँ चलेगा, ये ऑयल मैं यूज़ कर, थोड़ा पुराना है पर चलेगा, थोड़ा स्मेल हो रहा है पर चलेगा, वैसा नहीं. ऑलवेज ट्राई टू यूज़ एन ऑर्गेनिक ऑयल, अ गुड वन. अच्छा प्रोडक्ट देख के ही खरीदिए जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि अच्छे तरीके से बन जाए. अगर आप देसी घी यूज़ करते हैं तो प्योर देसी घी जो कि घर में बनता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर शॉप में जो मिलते हैं प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दोज घी. वो तो लिखा तो रहता है प्योर घी पर वो एक्चुअली में प्योर नहीं रहता, जो घर में बनता है वो प्योर रहता है. तो ट्राई यूजिंग दैट, एंड इवन इन कोकोनट ऑयल ट्राई यूजिंग द ऑर्गेनिक वन. रेस्ट एसेंशियल ऑयल्स यू विल गेट इन द मार्केट. एंड द बिगेस्ट मिस्टेक वी यूजुअली डू इज नॉट हाइड्रेटिंग आवर स्किन बिफोर यूजिंग अ स्पंज ऑयल. तो हाइड्रेट कैसे करके रखे स्किन को? मॉइस्ट तो कर लिया, फिर हाइड्रेट कैसे करें? तो मॉइस्चराइजर यूज कीजिए उसके लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ मिस्टेक इज व्हाट वी डू इज यूजिंग द सेम ऑयल एवरी टाइम. ट्राई टू अल्टरनेट द ऑयल्स गाइस. जैसे कि आप सुबह में जो लगाते हैं एंड इवनिंग में कोई दूसरा ऑयल लगाते हैं, ट्राई टू अल्टरनेट इट. कभी इवनिंग में दूसरा लगा लिया, कभी मॉर्निंग में दूसरा लगा लिया, वैसे ट्राई टू अल्टरनेट दोस टाइप्स. क्योंकि अगर स्किन को एक ही तरह का ऑयल हमेशा मिलता रहता है तो स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो, तो मे बी योर स्किन गेट मोर वर्स और डिटोरेटेड. सो ट्राई यूजिंग 2 or 2 to 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स अलग अलग टाइम पे यूज़ कीजिए. ये जस्ट मेरा ही पर्सनल सजेशन है गाइस, तो आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं. स्किन को, हमारे स्किन को मिनरल्स विटामिन सब जरूरत रहता है. अगर एक ही तरह का विटामिन उसको पहुँचते रहेंगे तो वो स्किन और भी ग्लोई नहीं बनेगा. इसीलिए ट्राई यूजिंग 2 to 3 डिफरेंट टाइप्स. मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन में अलग अलग आप चेंज कर सकते हैं. तो गाइस आप लोगों ने देखा कैसा कैसा मिस्टेक्स हम कर सकते हैं हमारे लाइफ में, ऐसा कि मुझे भी पता नहीं था, फिर मैं धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से ये सब मुझे आइडिया. एंड गाइस इट इज नॉट अ कोलैब और एनी ब्रांड प्रमोशन, सो जो भी कहा जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है तो वही आपके साथ शेयर किया आज वीडियो में. तो होप यू गाइस लाइक वॉचिंग द वीडियो एंड गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट टुडे. सो लेट्स मीट इन आवर अपकमिंग वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. When I stepped in sweet confection.